लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस साल की साहित्य परिषद पुरस्कार की विजेता है मिस पूजा ठाकुर। मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से पूजा जी को पुरस्कार दे। दोस्तों, मैं पूजा जी से निवेदन करता हूं कि आपके सामने दो शब्द कहें। आइए पूजा जी। दोस्तों, मेरी किताब को पुरस्कार देकर आपने मेरी यादों को श्रद्धा में बदल दिया है। आजकल हम कठोर होते जा रहे हैं, खुदगर्ज होते जा रहे हैं। हमारे लिए भारत देश सिर्फ एक जगह का नाम बनकर रह गया है। मगर यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके लिए भारत माता एक मंदिर था और उस मंदिर का स्थान उसके दिल में था। मैंने तो सिर्फ कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने इस कहानी को जिया था। भैया हमेशा कहा करते थे, पूजी एक दिन तुम एक बहुत बड़ा अवार्ड जीतने वाली हो और जब उसे लेने के लिए तुम स्टेज पर बुलाया जाएगा तब लोग कहेंगे, पूजा जी आप तो शब्द कहिए। तब तुम सिर्फ दो शब्द कहना, जय हिंद। अब्बा, ये गुनहगार कौन है? हम सब लोग। अब्बा, ये क्या कहानी है? बताओ ना अब्बा, बताओ ना। रात सिर्फ काली नहीं, खून से लाल भी थी।
आपने हमारे एक आदमी को गिरफ्तार किया है, मैं उसे लेने आया हूं। जब तक वो अपने गुनाहों के जवाब नहीं देता, हम उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक मुजरिम है और सजा उसको मिलनी ही चाहिए। मुजरिम नहीं, मुजाहिदीन, क्रांतिकारी। ये क्रांति और जिहाद की बातों से आप सिर्फ मासूम अवाम को बहका सकते हो, लेकिन कानून की नजरों में आप सिर्फ आतंकवादी हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जान ले सकता हूं इंस्पेक्टर, मगर वो आतंकवाद होगा, ये जिहाद, जिहाद है इंस्पेक्टर, जिहाद है। हमारे मकसद की पाकीजगी का सबूत चाहिए। अब देखते हैं कि अल्लाह किसके साथ है। हम ये बंदूक मेज पर रखकर इसे घुमाता है, अगर इसकी नली हमारी तरफ रुकी तो आप हमें मार दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ रुकी तो आजादी की कोई जरूरत नहीं, यहां सिर्फ एक वतन है हमारा। चाचू वो आ गए। पुलिस और नाकाबंदी से तो हमें गुजरना पड़ता है, तुम्हें किस बात की देर हो गई? सच बताऊं चाचू, हाँ, कैंप में बैठे हबीबुल्लाह की बीबीसी पर इंटरव्यू देख रहे थे। कसम से जान है उस आदमी में, उसकी जुबान, उसकी आवाज। आते हैं बस, हमें जिहाद करना है। सामान पूरा लायो? जितना हबीबुल्लाह ने मांगा था सारा है। चाचू कुछ बात है क्या? कैंप से उन्होंने हुक्म दिया है, वो कहते हैं फिजूल में हम उनके हथियार जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है उनका? वो चाहते हैं जितनी गोलियां उतनी लाशें। कितने दिलदार हैं हमारे हमदर्द, कतरा कतरा लहू का भी हिसाब रखते। चाचू घर जाके मेरी अम्मी को सलाम देना, और ये मेरे भाई अफजल को देना, आज उसकी 12वीं सालगिरह है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरकतुल्ला, सामान सब लोड हो गया? जी हाँ। चाचू सुना है सीकर मोहल्ला में चेक इन होने वाली है। तो क्या हुआ, ऐसे ही मौकों के लिए तो हम आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, अब तो हमारा जमीर भी हमसे नफरत करने लगा है। अरे ओ बरकत चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। वहां से कोई खबर? नहीं मुन्ना भाई। तुम्हें कितनी बार समझाया है नाम नहीं लेना, ना अपनों में ना उनके सामने, समझे? कभी नहीं। चलो।
भाईजान मुन्ना आ गया। तूल सामान तूल। अबे ओ टेंडर तू सब सामान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मुन्ना। सब ठीक है ना? जी भाईजान। अब हमें शर्म आने लगी है। जो काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम तुम्हें भेजा करते हैं। भाईजान आप जाएं या मैं जाऊं बात तो एक ही है। मैं लंगड़ाता जरूर हूं भाईजान और भटकता बिल्कुल नहीं हूं। समझ गया। और वैसे खुलेआम आप घूम भी तो नहीं सकते ना? हाँ, वैसे भी यहाँ के पुलिस वाले मेरे चेहरे से कुछ ज्यादा ही वाकिफ। नहीं भाईजान नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, हमारे जिहाद को आपके वजूद आपके जहन की ज्यादा जरूरत है इंशाल्लाह। और इन छोटे मोटे कामों के लिए तो हम आपके सिपाही हैं ना। क्या रूमानी सिलसिला है, अपनों में कैदी बनकर हम आजादी की जंग लड़ते हैं। और ये जंग हम जीतेंगे भाईजान, चाहे मेरी जान नहीं। तुझे कुछ नहीं होगा, परवरदिगार जानता है कि हमारे जिंदगी के दो ही वारिस हैं, एक हमारा मकसद और दूसरा हमारा छोटा भाई। मैं ना तो अपने मकसद के बिना जी सकता हूं ना अपने दिल के। आओ बारिया सबर कर, सेठा बर्दाश्त कर। तुम सब जानते हो कि कल मिनिस्टर यहां पर आ रहा है, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा भाईजान। वो यहां इलेक्शन करवाना चाहता है, इस वादी जगह के मौजूदा हालात की तहकीकात करने आ रहा है वो। मगर यहां इलेक्शन करवा के क्या फायदा? इलेक्शन करवा के वो ये साबित करना चाहता है कि यहां सब कुछ ठीक है। अगर यहां इलेक्शन हुए तो बाहर के लोग, खास करके इंटरनेशनल प्रेस के लोग सोचेंगे कि हम सो रहे हैं और आवाम जागी है। लेकिन यहां सब ठीक कहां है? आवाम में दहशत है, वो देखेगा समझेगा और चला जाएगा। नहीं, सरहद पार हमारे दोस्तों ने हमें खबर भेजी है कि मंत्री इलेक्शन के लिए जिद पर उतर आया है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम कमजोर नजर आएंगे और ये मुझे गवारा नहीं है। मगर भाईजान एक छोटा सा इलेक्शन। वक्त की शतरंज को समझो मुन्ना, हमारी जंग हम और मुल्कों की ताकत पर लड़ रहे हैं, जहां से हमें हमारा पैसा, हमारी बंदूकें, हमारी ट्रेनिंग हमें मिलती है। उन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम ढीले पड़ गए। जितनी गोलियां उतनी लाशें, हथियार सस्ते नहीं देते चाचू। माफ करना हबीब, कभी कभी थोड़ा थक जाता है हौसला भी। यही तो वो चाहते हैं चाचू, हमारी जंग को बातों के मैदानों में ले जाना। बातें, ख्याल, फलसफे, ये सब नामर्दी के हथियार हैं, इनमें हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। नूरा, इस ऑपरेशन के लीडर तुम हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ होंगे, साथ का होगा। जबार तुम। ये अच्छा। अशाद तुम। ये अच्छा। सिराज तुम। यूसुफ तुम। अब्बास तुम। ये भाईजान। अफजल तुम। इलियास, इलियास कहाँ है? वो सरहद पार गया है रॉकेट लॉन्चर का सौदा करने। ठीक है, तो फिर इलियास की जगह हबीब। इलियास की जगह मैं जाऊंगा, ऐसे ऑपरेशन का मुझे तजुर्बा है, मुझे जाने दो हबीब। चाचू इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है। कितना खतरा है हबीब? पिछली बार से ज्यादा या अगली बार से कम? हबीब हम सबका एक एक अंजाम तय है। अब और इंतजार नहीं कर सकता अभी। ठीक है चाचू, जाओ। कसिफ, नूरा। जी भाईजान। सबका ख्याल रखना इंशाल्लाह। भाईजान चाचू को वहां भेजना ठीक रहेगा? तो फिक्र मत कर मुन्ना, जो शख्स हर वक्त अपनी मौत जी रहा हो वो अपना फर्ज
बिना जुनून बिना खौफ निभाएगा। मैं चाचू को जानता। आपने उसके बारे में सोचा है? किसके बारे में? आप अच्छी तरह जानते हैं भाईजान मैं किसकी बात कर रहा हूं। DIG अजय ठाकुर, वो भी हमारी तरह तैयारी में होगा। DIG अजय ठाकुर, हम दोनों में इतनी दुश्मनी है मुन्ना कि शायद दोस्त बन चुके हैं। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं और वो भी मेरे बारे में कम नहीं जानता। मगर इस बार मुझे लगता है मुन्ना, बाजी हमारी है। इस कंपाउंड में कितनी पुलिस तैनात की है? 200 सर। बाकी सब बंदोबस्त हो गया? जी सर। और मंत्री साहब का कमरा देखा? देख लिया सर। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, वरना अपने बॉस आके कुछ ना कुछ नुक्स फिर निकालेंगे। चलो। बाहर दरवाजे पे 2 संतरी तैनात कर दो और लैंडिंग और कॉरिडोर में 4। अब दुश्मन तो क्या, मंत्री साहब भी कमरे में घुस नहीं सकते। जानते हो मुझे देख के क्या कहेंगे? क्या सब इंस्पेक्टर मुश्ताक चिश्ती? हम तुमसे बहुत खुश हुए, इतने सुरक्षित तो हम अपने घर में भी नहीं थे। जाओ जाओ पूरा चेक करो। जी सर। और मिनिस्टर साहब मेरा प्रमोशन करवा देंगे, मुझे क्वार्टर्स मिलेगा जहाँ पर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे। मंत्री जी खुदा हाफिज। लेकिन मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। साहब जी आप यहाँ पीछे के झाड़ कटवा दो। जी जी। और इसे बंद कर दो। जी जी। छत पर सब मशीन गन क्यों नहीं है? अभी रखवा देते साहब जी। सुनाओ। जी नहीं कुछ नहीं। क्या बात है साहब जी? सोच रहा हूं कि ऐसे माहौल में मंत्री जी का यहां आना क्या साबित करेंगे, और हम भी क्या किससे साबित करेंगे? ये शांति का ठोंग रचाने से क्या टेररिस्ट भी ढकोसले में आ जाएंगे? सर आप हबीबुल्ला के बारे में सोच रहे हैं ना, न जाने आपकी और उसकी दुश्मनी कहां जाके खत्म होगी। जब हबीबुल्ला और उसका भाई मुन्ना हवालात में होंगे। आज क्यों रहे मुस्ताक? मुन्ना मुझे याद आ गए वो दिन जब मैं नया नया फोर्स में भर्ती हुआ था। अगर उस रात आप मेरे क्वार्टर्स में नहीं आते तो शायद ये मुश्ताक चिश्ती आपके सामने आज जो खड़ा हुआ नहीं मिलता। गद्दार अपने वतन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार तो तू है मुन्ना। कुरान शरीफ में परवरदिगार फरमाता है कि मुसलमान जिस सरजमीन पे पैदा होता है उसी का वफादार होता है, वही उसका वतन होता है। मुन्ना को नसीहत करता है हरामजादे, अब भी वक्त है, हमारे साथ आ जा, खबरदार करता रहे हमें पुलिस की चालों से, सवाब मिलेगा। सवाब तो मुझे तब मिलेगा मुन्ना जब मैं अपने वतन पे अपने फर्ज पे कुर्बान हो जाऊं और शहीद कहलाऊं। शहीद तो मैं तुझे करूंगा। जवान मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है मुन्ना, देखता हूं कौन तुझे मेरी गोली से बचाता है। ये मत भूलना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तूने हबीबुल्लाह के भाई पर गोली चलाई है, मैं हर दिन तुझे याद रखूंगा। हर दिन नहीं मुन्ना, जब तक तू जिएगा हर कदम पर मुझे याद करेगा। सर मंत्री जी आ गए। शुक्र है यहां तक तो आ गए। Thank you.
वेलकम सर, आइए प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं सर। आइए सर। डीआईजी अजय ठाकुर भाई, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत हिम्मत वाले हो सुना। सर बहुत खूब, वेलकम सर। आइए सर। हाँ प्लीज चलिए। आइए सर, आइए। सर अगर आप बुरा ना माने तो हमारे होटल का एक रिवाज है। अच्छा सर, अगर आपको एतराज ना हो तो वहाँ हमारे गेस्ट बुक पर दस्तखत कर देंगे प्लीज। क्यों नहीं? नहीं, मिनिस्टर साहब सीधे अपने कमरे में जाएंगे, बुक वहीं पर ले आना। रिलैक्स अजय ठाकुर साहब, आइए। सर अब हमारे होटल में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। कंट्रोल रूम, देखो अभी अभी दो मारुति वैन बिना नंबर प्लेट के छह आदमियों के साथ होटल माउंट व्यू से निकली है। सारे रास्ते सील कर दो। मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ ही सैफ। ओवर। साहब जी, मंत्री जी बुला रहे हैं। क्यों? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे इतने टेंशन में भी भाषण देंगे? अगर तुम्हें भाषण सुनना है तो तुम सुनाओ। मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं हुआ, ही इज ऑल राइट, ही इज सेफ एंड साउंड। इस हादसे में हबीबुल्ला का हाथ था? इस हादसे में हबीबुल्ला का हाथ था? मैं पूछ सकता हूँ कि आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या इस हादसे से आने वाले इलेक्शन पर असर होगा? मुझे आपके सवालों का जवाब देने की तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ क्या हो रहा है ये जानने का हक जनता को है। लेकिन मेरे केबिन में इस तरह रेड मारने का हक मैं किसी को नहीं देता। प्लीज गो। वाह क्या अदा है, इतना बड़ा हादसा हो चुका है और आपको फिक्र है सिर्फ अपनी कैबिन की? आप लोग प्रेस वाले अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, आवाम की आवाज बने फिरते हो और पुलिस की मदद करने के बजाय दुश्मनों का साथ देते हो। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो दंगे से ज्यादा दंगे की पब्लिसिटी चाहते? लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? अब जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। जब तक आप मुझे इस हादसे पर स्टेटमेंट नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। फिर तो मुझे आपको हिलाना ही पड़ेगा। चलिए। चलिए। आप प्रेस वाले को हाथ बाहर। चलिए। This is assault and battery. आपको जो करना चाहिएगा। चलिए अभी। चलिए। चलो चाचू जल्दी करो, बहुत दूर जाना है। चलो देखो भाई लोग, पूरे स्टेट की पुलिस इन गाड़ियों को तलाश कर रही है, इसलिए पैदल ही चलना होगा। चलो। दूरा, अगर तुमने गौर ना किया हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब बार की टांग पर गोली लगी है वो चल नहीं सकता है। मर तो सकता है, लंगड़े घोड़े की इस दौड़ में कोई अहमियत नहीं होती। चलो सिराज, जबार की मदद करो। जबार हिम्मत था हिम्मत।
एनीबॉडी होम? कोई है भाई? मैं और मेरी भूख दोनों किसी हमदर्द को तरस रहे हैं। कोई है? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? अरे यहाँ क्या हो रहा है ये जानने का हक जनता को है, मतलब मुझे। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? भाई होकर एक मामूली सेब भी नहीं दे सकते हो अपनी बहन को? अरे अपनी बहन के लिए तो अपनी जान भी दे दूं, लेकिन आप जब प्रेस रिपोर्टर बन के आई तो मुझे भी तो डीआईजी बनना पड़ता है ना। ए पुजी, आज गोलियों की बारिश में तेरी बहुत याद आई। नहीं भैया, रोते नहीं। पुजी, आई लव यू। लीव मी अलोन। I won't leave you alone. Go away. I won't go away. तो मना लूंगा, रूठेगा तब तो मना लूंगा, तू जो रूठी तो कहां जाऊंगा, रूठेगा तब तो मना लूंगा, तू जो रूठी तो कहां जाऊंगा, रूठेगा तब तो मना लूंगा। मामूली नहीं है, हमें जबार को अस्पताल लेकर जाना चाहिए ताकि पुलिस हमें पकड़ ले। क्यों? सॉरी बस। ठीक हेलो, सब इंस्पेक्टर मुश्ताक चिश्ती स्पीकिंग सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। जी सर, तमाम रास्ते सील कर दिए हैं। या अल्लाह। ओके सर। जी, चारों तरफ पुलिस ने जाल बिछाया है, हम कैंप तक नहीं पहुंच सकते, कुछ देर हमें यहीं छिपना होगा। मैं ले जाऊंगा जब पार्क को, तो आदमी पुलिस के हाथ लग भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। दिमाग खराब हो गया है आपका चाचू? पुलिस की हिरासत में आप दोनों टूट गए तो आप दोनों हमारे अड्डे के बारे में जानते हो? नहीं, ये सौदा मुनासिब नहीं। नूरा हमारे साथी की। चाचू, नूरा ठीक कह रहा है। जब्बार, तुम हमारी हालत देखो।
सुनो, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस वारदात में 6 लोगों की मृत्यु हुई। उग्रवादियों के लिए तलाश जारी है। अब तक किसी भी उग्रवादी दल ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अपनाने की घोषणा नहीं की है। इलाके के पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि इस हमले के पीछे कट्टर उग्रवादी हबीबुल्लाह का हाथ है। हालांकि उग्रवादी घटनास्थल से फरार हैं। डीआईजी पुलिस अजय ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि वो आसपास ही छिपे हैं और जल्द ही हिरासत में लिए जाएंगे। हमारे दिल्ली के संवाद भाईजान, ये मैं इस खबरों का खुलासा नहीं है, वो डीआईजी मुझसे बातें कर रहा है, ललकार रहा है मुझे। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र नहीं करूं, वो अपने लोग हैं मुन्ना, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कहां छुपे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। डीआईजी अजय ठाकुर से पहले हमें उन तक पहुंचना चाहिए। उन्हें मैं ढूंढ निकालूंगा भाईजान, और उस डीआईजी को तो इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हाँ, तलाश जारी रखो लीजिए साहब, और हर 10 मिनट के बाद मुझे फोन करो। फिर नहीं सोए ना? अरे नहीं रे, जब तक एक एक को पकड़ ना लूं मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन तू तैयार होके कहाँ जा रही है? पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ जयपुर फोन करने। क्यों? भूल गए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, वही कंफर्म करने। तो यहाँ से फोन कर ले। भैया आप छोड़े तब ना, हर 10 मिनट की ट्रिंग ट्रिंग से मैं पूरी रात नहीं सो पाई, और मुझे बाजार से चीजें भी लेनी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दूध पी लो। टेक केयर। अरे मेरे सामने खड़ी हुई लड़की को देख रहा है? She's beautiful, yeah? क्या जालिम आंखें, सच्चे प्यार से भी गहरी यार। आए, आए, क्या चाल है यार, लगता है भगवान ने इसे संडे के दिन फुर्सत से बनाया है। अरे मेरे गाड़ी से लग के खड़ी है। असी तो बसे क्यों? ओह शिट! हेलो मैडम, मैडम क्या नहीं मेरे समाज में मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रही है? गाड़ी तो आपकी है, लेकिन हवा पर तो किसी का हक नहीं है ना, वो तो सबकी है एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इसलिए मैंने थोड़ी सी ले ली। ओके, हैव फन। थोड़ी सी ले ली? हेलो रोहित, हेलो हेलो, आपका रोहित इस वक्त हवा खा रहा है। बाय। आप सबको मेरा नमस्कार। बैठ। हाँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और इस इलाके का मुआयना करने पर मुझे एक भी कारण नहीं मिला यहां इलेक्शन ना करवाने। देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं जाति तौर पर डीआईजी अजय ठाकुर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे मौत के मुंह से बचाया है। एक मंत्री होने के नाते हम तुम्हें न्योता देते हैं, जो जी में आए मांग लो। यह आपका बड़प्पन है सर कि आपने मुझे काबिले तारीफ समझा, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फिर भी मेरी एक मांग है, मुझे एक हफ्ते की मोहलत चाहिए, मेरा फर्ज अभी तक अधूरा है। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर उन देशद्रोहियों को घुटनों के बल सजा तक पहुंचाऊंगा। सर, वो लोग मीर बाबा को सेंट्रल जेल से ले आए। गुड।
मीर बाबा तो 8 साल से जेल में बंद है सर, वो हमें क्या बता पाएंगे? नहीं रामलाल, मीर बाबा उन लोगों में से जिन्होंने कश्मीरियों को एक अलग सपना दिखाया था। उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उसे आज के मुजाहिदीन ने उग्रवाद बना दिया। मीर बाबा 8 साल से जेल में बंद तो हैं, लेकिन उन्हें मुजाहिदीन के बारे में पल पल की खबर रहती है। मीर बाबा, कल होम मिनिस्टर पर हमला किसने किया? एक और तलाश। जवाब मिल चुके हैं तुम्हें, फिर भी बहानों को ढूंढ रहे हो। कैसा जवाब? तुम जानते हो सब सौदागर है, सब, मेरे लोग भी तुम्हारे लोग भी, सब के सब घटिया झूठे और जलील सौदागर है। फिर तुम किस लिए लड़ रहे हो? आप किस लिए लड़ रहे हो बाबा? मैंने अपने लोगों के लिए आजादी चाही थी, किसी मुल्क या हुकूमत से नहीं, बल्कि गरीबी से, बेरोजगारी से, मुफलिसी से। मगर मेरे सारे सिपाही वो सिपाही नहीं है, गुंडे हैं, जो मजहब की आड़ में छिपकर दहशत की हुकूमत चलाना चाहते हैं। इतने भी मर्द नहीं कि बंदूक छोड़कर दो वक्त की रोटी कमा सके। इतने गिरे हुए हैं कि दुश्मन देश के टुकड़ों में पड़कर शर्म नहीं आती। मुझे तुमसे जलन होती है ठाकुर, सब कुछ देखकर भी तुमने अपने जोश को बरकरार रखा, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद मेरा देश है मेरे बाबा। आसो, मैं जानता हूं कि आजकल देश प्रेम बहुत पुराना ख्याल है, मगर मैं उनमें से हूं जिसे देश प्रेम से शर्म नहीं आती। कौन सा देश? वो देश जो तुम्हारे दिल में है या वो देश जो तुम्हारे सामने है, जहां झूठ और मक्कारी को तक मिलता है और आवाम बिना रिश्वत दिए सांस तक नहीं ले पाती? फिर भी देश तो वही है ना मीर बाबा, जिसने आपको हमको सबको सूरज की पहली किरण का एहसास दिलाया। धरती तो वही है जिसने अपने सीने में खड़ा करके ऊपर वाले के नाम पर हम सबको हाथ उठाना सिखाया। एक बात बताओ मीर बाबा, कौन सा बेटा ऐसा होगा कि मां रूठे फिर भी मां के दूध को जहर कह दे? और अगर ऐसा बेटा है तो शर्म आती ऐसे बेटे पर, थूकता हूं ऐसे बेटे के मुंह पर। काश तुम मेरे सिपाही होते या मैं तुम्हारी जंग में हिस्सेदार होता। बुजी, बुजी, क्या कर रही है? आपके लिए खाना लगा रही हूँ। इतनी जल्दी? भैया आप भूल गए, मैंने कहा था ना मैं आज प्रीति की पार्टी के लिए जा रही हूँ। ओ गॉड, क्यों, क्या हुआ? आज फिर अकेले खाना खाना पड़ेगा, वही ठंडी रोटियाँ, मेरा क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ आओ ना पार्टी के लिए। अरे मैं पार्टी में जाऊंगा तो सब ठंडे हो जाएंगे, कोसोगी तुम मुझे? क्यों, क्यों? अरे मुझे देखते ही कोई लड़का तुमसे बात नहीं करेगा, फिर ये अच्छे कपड़े अच्छा दिखावा सब वेस्ट हो जाएगा ना भैया। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन रात ज्यादा देर मत करना। ओके बॉस, चलो। जी चलिए। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? अकेले कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा है? आप जब घर पे हैं कोई आएगा मुझे लेने? पता नहीं आपकी वर्दी का जादू है या आपकी शक्ल ही ऐसी है। अब क्या करें, तेरी शक्ल मम्मी पर गई और भगवान ने मुझे डैडी जैसा बना दिया। नहीं भैया, मैं सिर्फ आप पे गई हूँ, मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। जा मेरी गाड़ी लेकर जा। गुड नाइट। गुड नाइट। Happy birthday to you. Shut up. Happy Shut up, birthday. I say. Hi Rohit. Hi Preeti. मुझे विश नहीं करोगे? बर्थडे प्रीति। सिर्फ बर्थडे? हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना? कहते हैं। कहते तो हैं, मगर हैप्पी तब होगा जब वो मिलेगी। न जाने कहाँ है वो। अरे बाप रे, ये तो सीरियस हो गया, इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे वाह रवि, क्या आइडिया है, वहां मैं हॉस्पिटल में कंबल में लिपटे दरवाजे पे वो आएगी, हाथ में होगा गुलदस्ता, मेरी तरफ चल के आएगी, बिस्तर के बाजू में खड़े होकर कहेगी, रोहित जल्दी से ठीक हो जाओ ना वरना बीमार पड़ जाऊंगी। वाह क्या सीन है, हीरो लमलेट, हीरोइन स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट। ऐसे में तुम क्या जवाब दोगे रोहित? जवाब? अरे मेरी किस्मत इतनी सेकंड हैंड है, कैसे मैं कुछ बोलने जाऊंगा, एक खड़ूस नर्स आएगी और मेरे मुंह में थर्मामीटर डालेगी यूं। हाय प्रीति। हाय, सॉरी आई एम लेट। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे।
प्रीति, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना छोटा सा बच्चा भी है? रोहित, पूजा से मिलो। पूजा, दिस इज रोहित। रोहित, रोहित, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बच्चे का क्या कह सकते हैं ना। कम ऑन प्रीति, लेट्स पार्टी। कुछ देखा तुम? क्या? अरे कुछ देखा तूने? क्या? वो मुझे आंख मार के गई। अबे तुझे? बनने के तुझे? चल चल रोहित, बला मत आ। पूजा और तुझे आंख मारे, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। हाँ, लगे 500 रुपए की। वो अगले 2 मिनटों में मुझे वापस आंख मारने वाली। लगी? लगी। कल मैं जा रही हूँ जयपुर। अच्छा, कब लौटोगी? 1-2 हफ्ते लगेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वहाँ। आई सी। वैसे तुम बॉम्बे कब जा रही हो? 2-3 दिन में। पूजा जी। जी रोहित जी। पूजा जी, एक बात है। क्या बात है? जरा एक मिनट। आई आई ना। पूजा जी, ज्यादा इधर उधर की बात करना मेरा स्टाइल नहीं है। अगले 1 मिनट के अंदर अगर आपने मुझे आंख नहीं मारी तो मेरी नाक कट जाएगी। मेरी नाक कट जाएगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। मेरा चेहरा खराब हो जाएगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? आपको 250 रुपए कहां से मिलेंगे? 250 रुपए? देखिए मैडम, 500 की शर्त है, आधा आधा बांट लेंगे। देखिए सौदा बुरा नहीं, लोग आपसे आंख चुराने की बात करते हैं, मैं तो सिर्फ आंख मिलाने की बात कर रहा हूँ। पूजा जी, वो देख अभी 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 रोता हुआ आएगा। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। शर्त जिताकर आपने मुझे थोड़ा समीर बना दिया। शर्त? आंख मारने की। What? Yes? मैंने आंख नहीं मारी। मारी थी? No. मारी थी? Never. Of course. कब मारी? ये लो, अब मारी। मैंने? हाँ, खुदा गवाह है आपने 1 मिनट पहले ऐसे आंख मारी। इसे आंख मारना नहीं कहते हैं। कहते हैं? नहीं कहते हैं। कहते हैं? नहीं कहते हैं। मैडम, दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे आंख मारना कहते हैं। आंख ऐसे नहीं मारते। फिर कैसे मारते हैं? आंख ऐसे मारते हैं। Chum chum, rain is falling. Chama chum chum, ladki ne aankh mari gir gaye hum. Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Hey, rain is falling. Chama chum chum, ladki ne aankh mari gir gaye hum. Tan tan tan. Hey, rain is falling, chama chum chum, aur ladki
Rain is falling, chum chum chum. वो क्या क्या पार्टी छोड़ के चले आई ना, शायद मुझसे नाराज होकर, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। देखिए अगर मेरा मासूम सा मजाक आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो आज सोच रही होंगी पार्टी में आग मारा था या लाइन मारने आया हूँ। पूजा जी कुछ तो कहिए। गुड नाइट। पूजा जी मेरे पास शराफत का कोई प्रूफ नहीं मगर ही रूफ है। देखिए निमोनिया से ज्यादा आपकी नाराजगी का डर है। आप एक बूंद भी नहीं गिरी और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। पूजा जी आई एम सॉरी, आपने बताया नहीं भर स्टेशन में रुक रुक के जाने वाली है। बारिश बहुत हो रही है, अंदर आ जाओ। आपकी मुस्कान, उसकी बारिश, आपने मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे साफ कर दिया। तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हो। सिवा जब मैं अकेला रहता हूँ तब मुझे बहुत रोना आता है। क्या हुआ? आपने बताया नहीं आज साथ में पुलिस लेके आई है। अगर डीआईजी साहब ने मुझे देख लिया तो मेरी परेड करवा देंगे। घबरा मत, सिर्फ गाड़ी लेके आई हूँ। ओके ओके पूजा जी रूफ। थैंक यू और गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मिलेंगे कभी कहीं, कैसे कैसे? शायद। कब 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 कहाँ? हेलो पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी आंसर मी। हेलो पूजा। ओके देन पूजा, पूजा रुको, पूजा कहां तक पहुंचे? मुन्ना उस गाड़ी में बम रखकर उस मासूम लड़की पे हमला करके तुम्हें क्या मिला? अरे अक्कू से गलती हो गई, उसे लगा कि वो हरामजादा अजय ठाकुर गाड़ी में होगा। बस गलती हो गई, अगर उसकी जान से फिजूल की बातें मत करो। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, उसकी जान बचाकर तुम उसके और करीब आ गए। मुन्ना मैं ये काम, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। नूरा और उसकी टोली इस वक्त कहां है ये हम नहीं जानते, ना हमें यह पता है कि वो हरामजादा अजय ठाकुर इस वक्त क्या सोच रहा है। उसकी बहन ही एक जरिया है, उसकी कमजोरी है, उसे काबू में करो, बाकी फिर आसान है। पूजा से मैं सिर्फ दो बार मिला हूं, तुम क्या चाहते हो मैं जाके पूछूं तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, क्या प्लान बना रहा है? चिल्लाओ मत, तुमसे जो कहा है वो चुपचाप करो। हमने सुना है वो कल जयपुर जा रही है, तुम भी जाओगे, समझे? समझे? समझा। शाबाश, क्या करना है वो हमने बता दिया, कैसे करना है ये तुम सोचो। खुदा मुन्ना वो कसेट। ऐसे नहीं, कैसे बताया था मैंने? हाँ कैसे बताया था मुन्ना भाई? मुन्ना भाई मैं आपसे भीख मांगता हूं।
इलेक्शन जीत गए हैं। इसका मतलब मैं आज भी ठीक हूँ। बेटे ये लोग मेरे जरिए तुमसे न जाने क्या करवाना चाहते हैं। बेटे तुम मेरी जिंदगी की परवाह मत करना, ये लोग बहुत दरिंदे हैं, इनकी बातों में। तुझे जितनी जरूरत अपने बाप की है उससे ज्यादा जरूरत हमें DIG की बहन की है। साहिब जी ये हरकत किसकी हो सकती है? हबीबुल्ला, हबीबुल्ला। जिहाद जुनून दीवानगी और बेहूदगी में सिर्फ अकल का फर्क होता है जो तुम जैसे छिछोरों को कभी नहीं आ सकती। यहां कौन कैसे और कब मरेगा ये सिर्फ मैं मुकर्रर करता हूं। मैं बेअकल तेरे अजय ठाकुर की गाड़ी में बम रख के तुमने और भी आगाह कर दिया है, अब और भी खतरनाक हो गया है हमारे लिए। साला हूं सुन नसल भैया आप सोए नहीं? दुआ जा रही है, सोचा तुझसे कुछ बातें कर लूं। जा रही हो? ओह जयपुर, क्या बातें की आपने, मैं तो सो रही थी ना। बहुत सारी शुक्र है तूने सुनी नहीं। भैया मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे जाना ही होगा पूजी, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू वहीं रहेगी। शर्मा जी से कहकर मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। लेकिन भैया मैं तेरी एक नहीं मानूंगा पूजी, तू यहाँ रहेगी तो मुझे बहुत फिक्र होगा। प्लीज आ गया डॉट ऑन टाइम, ही स्मार्ट बॉय। कौन? रोहित। रोहित? मैंने उसे नाश्ते पर बुला लिया है, वैसे उसे मैं शाम को बुला सकता था लेकिन। लेकिन क्या? हाँ? मैं तेरे चेहरे पर यह गुलाब कैसे दिखता? थैंक्स फॉर कमिंग, तुम्हारा यह एहसान आने के लिए शुक्रिया। जी थैंक यू सर। आओ आओ आओ। थैंक यू सर। अरे इसे अपना ही घर समझो। जी थैंक यू सर। अरे बार बार थैंक यू मत बोला करो, यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी आई मीन थैंक यू सर। रोहित तुमने पूजी की जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। आप मुझे शर्मिंदा करें सर, ये तो मेरा फर्ज था। क्या बात है? जी कुछ नहीं सर, जाना है। अरे कहाँ जाना है, मैंने तुम्हें नाश्ते पर बुलाया है, यूं ही चले जाओगे तो पूजी ब्रेकफास्ट के बदले मेरा सर खा जाएगी। बैठो। नहीं सर इतनी जल्दी भी नहीं, मगर जाना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ है बाथरूम ना? नहीं सर जयपुर। जयपुर? तुम जयपुर क्यों जा रहे हो? जी वो मेरी नानी जी है ना, वो जयपुर में रहती है, उन्हें छोड़ने जाना है। कमाल है, पूजी भी आज जयपुर जा रही है। अच्छा लेकिन बस तो 10:30 की। नहीं सर हम कार में जा रहे हैं, नानी जी को बस बसती नहीं, और वैसे भी सर गाड़ी में जाए तो कम से कम 4 घंटे बचते हैं। और मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ी में जाऊंगी। मुझे भैया प्लीज 4 घंटे बचते हैं और टिकट भी नहीं खरीदनी पड़ती। हेलो पूजा एक मिनट पहले ये तो जान लूं कि तुम्हें या तुम्हारी नानी को एक्स्ट्रा सवारियों से चिढ़ तो नहीं? नहीं सर नानी जी कभी नहीं। भैया प्लीज हाँ कह दो ना, बस इज टू बोरिंग। 4 घंटे भी बचते हैं इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी आता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारी नानी को इस 4th सवारी से जरूर चिढ़ होगी। जी थैंक यू सर। हाय चले? यस बॉस। भूल गए? क्या भूल गए? नानी जी। नानी जी? कौन सी नानी जी? तुम्हारी नानी जी रोहित। नानी जी का पेट खराब हो गया था पूजा।
और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जयपुर सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो? इतनी घमंडी भी मत बनो पूजा। सुना है जयपुर में मूंगफलियां भी बहुत अच्छी मिलती है। रोहित, दिस इज रिडिकुलस, यू आर मैड। देखो पूजा, मैं नहीं जानता आगे जाके हमारी दोस्ती होगी नहीं होगी, मगर इस वक्त मुझे दोनों अंजाम मंजूर है। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे अच्छा लगता है। और कुछ नहीं तो एक सूट के समझ के साथ में रख लो। लेकिन ये सब अजीब लगता है रोहित। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना पूजा? नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ऐसा ही होना चाहिए, मगर अपने आप पे तो है क्यों? देखो पूजा, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी दो राह पे, तुम्हें ये डिसाइड करना कि तुम जयपुर कैसे जाओगे। कार में जाओगी या तुम बस में जाओगी, या तुम रोहित के साथ जाओगी, या 40 ऐसे पैसेंजर्स के साथ जाओगी जिसमें होगे 10 पान थूकने वाले मोटे, 4 डकार मारने वाली औरतें और 10 रतुए बच्चे और एक कंडक्टर जिसके पास कभी छुट्टे पैसे नहीं होंगे। डिसाइड नाउ पूजा। कार में। रोहित, यू रियली फनी। वैसे एक बात बताऊं पूजा, तुम भी कुछ कम फनी नहीं हो। मैं? हाँ तुम। कौन कहेगा तुम अजय ठाकुर डी आई जी की बहन हो? क्यों? क्योंकि वो इतनी सीरियस है, तुम इतनी चंचल, वो इतने लंबे हैं, तुम इतनी ठिंगड़ी है, वो मर्द है तुम औरत है ना, सोचो। ओह गॉड रोहित। भैया हमेशा ऐसे नहीं थे, उनकी मुस्कान ने उनका साथ छोड़ दिया। एनीवे, कह दो पूजा, बातें करने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं 4 साल की थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन भैया ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। 5 साल पहले वो यहां ट्रांसफर हो गए और आते ही उन्होंने हबीबुल्ला और मुन्ना के साथ टक्कर ले ली। आज के हमारे समाचार हैं, कश्मीर के हमारे संवाददाता ने हमें खबर दी है कि हाल ही में नियुक्त डीसीपी श्री अजय ठाकुर ने कट्टर उग्रवादी मुन्ना को पुलिस मुठभेड़ में जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया है। मुन्ना की गिरफ्तारी से पुलिस को ये उम्मीद है कि आतंकवादी गतिविधियों को काफी धक्का पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने श्री अजय ठाकुर से सीधी बातचीत की। सर, मुन्ना जैसे हार्डकोर टेररिस्ट को पकड़ने में आपको डर नहीं लगता? God, he's so handsome. क्या हो गया तुझे? टेररिस्ट पसंद आने लगे हैं? मैं उस गुंडे की नहीं, तेरे भैया की बात कर रही हूँ स्टूपिड। मुन्ना और जैसे जो चाहे कर ले, मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। तूने कभी बताया ही नहीं कि तेरे भैया इतने डैशिंग हैं? नहीं, वो लोग कभी मुझसे जीत सकते, क्योंकि वो लोग तो अपनी छोटी सी जान और खोखले गुरूर के लिए लड़ रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भैया इतने डैशिंग लगते हैं। और मैं अपने देश के लिए। अच्छी फ्रेंड है, अब तक छुपाए रखा। छुपा रखा? अरे मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, मैं भी तो उन्हें छुट्टियों में ही मिलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? आ रही हूँ, मैं चिपना जा रही हूँ। ओके। अरे तुलसी में ऐसा क्या है? हिलना मत, वरना गोली चल जाएगी। जानती है मैं कौन हूँ? मुन्ना, तेरा भाई क्या समझता है, मुझे जेल में बंद करके रखेगा? अरे मुझसे टक्कर लेने का उसे क्या इनाम मिलेगा, जानती है? बोल, जानती है तू? बोल बोल। भैया बैठ के नीचे, बैठ के नीचे। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पूछी, वो कौन थी? मनीषा, मेरी सहेली। मैंने लिखा था ना कि वो मेरे साथ छुट्टियां मना रही आ रही है।
लेकिन अभी भाग भाग के दिल्ली पहुंच गई होगी। हो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं उसे तू समझा और पिस्तल रखकर उसे डराने लगा मुन्ना बन के। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हट रही है। घर जा तुझे। आप कुछ भी कर सकते, आप किसी को आप डराएंगे तो चिखेगी ना। मैं चल लिया। वाह रिसीव आ जाए ठाकुर, मजा आ गया ना। अभी ऐसे बुड़बुड़ाने से काम नहीं चलेगा, चल जा और माफी मांग। मनीषा भैया क्या है वो, क्या नाम है उसका? मनीषा। वो ठीक है ना भैया? रात के 12 बजे हैं, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, वो ठीक है ना? सुबह, गुड नाइट। वो सो रही है, समझा, सो रही है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद चल के जाके देख ले। मनीषा भैया फॉर गॉड सेक। क्या नाम है उसका? मनीषा, लिख कर दूं? मैंने उसे बहुत डरा दिया ना। हाँ, बाकी का कोटा कल। गुड नाइट। गुड। क्या बात है डीसीपी आ जाए, नींद नहीं आ रही है, वो भी एक लड़की की वजह से। छी छी छी। अरे लड़की नहीं, ये तो नाइट ड्यूटी की आदत है मुझे, वरना उस लड़की को कौन देखना चाहता है। मनीषा। क्या नाम है उसका? मनीषा। आप दोनों ने खाना खा लिया ना? वो क्या कर रही है? भैया चलो 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 चलो। ये पूजी इधर आओ, इधर आओ, सो जाओ, सो जाओ। चलो पूजी। भैया गुड नाइट। नहीं पूजी एक बात। भैया गुड नाइट। पूजी एक मेरी बात सुन। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो कल इसे वापस भेज दूंगी। आखिर मुझे उनके कमरे में जाकर सोना पड़ा। 4 बार दरवाजा खटखटाया उन्होंने। 3 बार। क्या 3 बार आए थे वो? 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। मनीषा जी, अरे क्या यार, अच्छे खासे नाम का तुमने आंटी बना दिया। अब मनीषा, अगर इस पिस्तौल ने तुम्हें डराया है तो मैं इसे, इसमें दम नहीं है। मनीषा ये पिस्तौल लो और मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। अरे नहीं अजय नहीं, ये डायलॉग लगता है कुछ सच्चाई लाओ कुछ, लेकिन ये तो सच्चाई है ना मनीषा? भैया इतने टेंशन में क्यों दिख रहा है? वो फिर आ गए। मुझे बचा लो, पूजा मुझे बचा लो। मनीषा जी ये हाथ ले लो और ये कब मुझे दे दो। अगर इस हाथ ने तुम्हें डराया है तो इस पिस्तौल से मेरा गला काट दो, पर जीते जी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वंदन गाड़ी बुलाओ, मुझे भूख लगी, वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऑफिस नहीं गया तो मैं, कह दो ना कि तुमसे प्यार है, कह दो
रात को सोई नहीं हाँ? Shut up, stupid. और अब प्रस्तुत है कल रात की घटनाओं का विवरण। कश्मीर से हमें खबर मिली है कि डीसीपी अजय ठाकुर ने अपनी नव विवाहिता पत्नी को इतना सताया कि अरे वाह, कल तक तो सैली बनकर घूमती थी और अब एक दिन में भाभी बन गई। हाँ, क्या हो रहा है भाई? वाह, इनसे मिलिए। लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं तो थोड़े शरीफ हैं, घर पे बैठते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ज्यादा ही शराफत झाड़ रहे हैं। भैया, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कुछ समय मेरी भाभी के साथ नहीं बिता सकते? अरे, भाभी के साथ तो पूरी जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। बिल्कुल नहीं, आज आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। मैं फोन करके बोल देती हूँ कि आज डीसीपी अजय ठाकुर पब्लिक सर्विस में नहीं होम सर्विस में बिजी होने वाले, समझे? अरे नो, हेलो भैया, फोन डेड हो गया। डेड? अरे, ये फोन डेड क्यों है? आ, 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 आ,
दोबारा से घर को घेर लो, चलो। शादी मुबारक हो आपको। नहीं, नहीं, भांगो साले को। और हबीब ने तुम्हारे साथ ये सब किया? हाँ। क्या कर रहे हो रोहित, जान से मारोगे? हाँ, मार देता। क्या क्या हो गया तुम्हें? सोच रहा हूं कौन सा फर्ज अदा करूं। चाचू तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर देख के आता हूं। खुदा का घर है, इसकी कैसी तहकीकात? क्यों, हमारे दुश्मन भी तो अंदर हो सकते हैं। ऐसी बातें करते हो नूरा, यहां मौलवी के अलावा कौन हो सकता है? इस वीराने में कौन आएगा? खुदा के बंदे भी शायद भूल चुके हैं कि यहां भी कोई मस्जिद है। चाचू अफजल आ जाओ, सब आ जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी संभाल के जबर भाई, संभाल के चलिए। ये क्या कर रहे हैं चाचू? खुदा के घर में अदब और तहजीब के मायने। अरे इससे अच्छा तो ये है कि हम पुलिस वाले को बता दें कि हम अंदर छिपे। चलिए अंदर, पनाह लेने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, इन्हें बाहर रख दो। हमें छिपने के लिए जगह चाहिए, साथ में खाने पीने का कुछ सामान, और हमारे आदमियों को यह खबर पहुंचानी है कि हम यहां छिपे हैं। ये मस्जिद है, सराय नहीं। इस वक्त हमें जिंदा रहना है मौलवी, और साथ में आजाद भी, और किसी बात की हमें फिक्र नहीं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اللہ یا الحمدللہ، یا اللہ رحم کر رحم کر میرے مولا، سبحان رب تعالی میرے جدے اما یا سبحان و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ یا مولوی صاحب، ہماری خیریت کی دعا مانگی ہے نا آپ نے؟ نورا اتنی بے ادبی مت کرو،
कि अल्लाह तुम्हें माफ ना कर सके। अब रहने भी दो चाचू, अगर हम पैरा ना दे तो आप दोनों की हिफाजत कहां से होगी। हिफाजत करने वाला वो है सबका मालिक, खुदा का खौफ कर बंदे, खुदा का खौफ कर, वरना वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान में ये फर्क कहां से आ गया। कोई आ रहा है, छुप जाओ, छुप जाओ, बोल रही छुप जाओ, सुनो पुलिस। चला हॉल्ट, लगता है इस सेक्टर में भी कोई नहीं है। चलो सर, इस मस्जिद को भी देख लेते हैं। अरे ये मस्जिद तो बरसों से वीरान है, यहाँ कौन होगा। चलो सर, फिर भी एक नजर देख लेते तो अच्छा था। अब तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो देख ही लेते हैं, वरना डीआईजी साहब की लथाड़ कौन सुनेगा। आओ याल्ला, अब क्या करेंगे भाईजान? अगर पुलिस मस्जिद की हद तक पहुंची तो हम गोली चला देंगे। खबरदार, ये पाक परवरदिगार की पाक जगह है, यहाँ खून खराबा नहीं होगा। हमारा मकसद भी उतना ही पाक है मौलवी। चल उस तरफ जाओ जल्दी। चलाओ गोली। क्या होता यार, इन्होंने तेरे घर को भी नहीं छोड़ा। हेलो हेलो सर, हबीबुल्लाह के लोग मिल गए सर। कहाँ है? वो घिनौने लोग वीराने मौलवी की मस्जिद में छुपे हुए हैं सर, अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। नहीं मुश्ताक, कोई गोली नहीं चलाएगा, and that's an order. लेकिन सर वो हरामजादे हमारी पहुंच में अगर हम चाहें तो। नहीं मुश्ताक, उनका एक कतरा खून उस पाक जगह को नापाक कर देगा, ना गोली चलेगी और ना कोई आगे बढ़ेगा, हम उन्हें थका कर बाहर निकालेंगे। ये इंसाफ नहीं है सर, वो हथियार लेके मस्जिद में छुपे हुए हैं जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है, वो मुसलमान होकर इतनी गरीबी हरकत कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा मुसलमानियत निभा रहे हैं। मुश्ताक, ये हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, हमारा फर्ज है हर मजहब की इज्जत करना, उनकी हिफाजत करना, और हमारे होते हुए कोई भी इबादत की जगह को नापाक नहीं कर सकता। You wait there. देखा, अरे कितने अकलमंद निकले हमारे शेर, मस्जिद में जाकर छिपे हैं, मस्जिद में। अकू जी भाईजान, जाकर वो बीबीसी सीएनएन और बाकी के फिरंगी टीवी और न्यूज़पेपर वालों से कहो क्या भी बुल्ला ने बुलाया है, शो का वक्त शुरू हो गया। शाबाश। क्या चाल चलिए भाईजान, अब वो अजय ठाकुर भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, डर गया ना हरामजादा। मुन्ना, दुश्मन से नफरत करो मगर उसे समझो भी। जानते हो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? अजय ठाकुर की शराफत। वो हिम्मत नहीं, अदर करेगा। भागन। लेकिन भाईजान उसे वहां से बाहर कैसे निकालेंगे? वो डीआईजी वहां खुद पहरे पर है। उन्हें हम नहीं निकालेंगे, उन्हें वो डीआईजी खुद जाने देगा, तुम देखना। रोहित कहाँ है? पूजा कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, ये जगह, ये मौसम, उस दुनिया से इतना दूर है ना, या कोई भीड़ नहीं, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं। ढोंग दिखावा, ये तुम क्या कह रही हो पूजा? वहां अपने शहर में तो दिखावा ही तो है रोहित, बंदूकों की परछाई को अमन की छाव समझकर जी रहे सब लोग, लेकिन यहाँ कितनी शांति है। तुम कितनी अजीब हो पूजा,
तुम्हें रेगिस्तान में शांति लग रही, जबकि लोगों को रेगिस्तान से डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं? तुम जो हो मेरे साथ, मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर कोई आंच नहीं आने दोगे। इतना तो भरोसा है तुम पर। पूजा, मुझे मुझ पर भरोसा कब आएगा? पूजा के पर्दे बंद करो, तूफान आने वाला है। होटों पे बार बार आहिस्ता।
साथियों वाह, लगता है दुनिया के सारे प्रेस वाले यहाँ जमा है, हम सब मशहूर हो गए हैं। नूरा, जब बार की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है, इसे जाने दो। नहीं, इतने दूर आने के बाद हम में से कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। अपनों की जान के दुश्मन ना बनो नूरा, वो लोग जब्बार की जान बचा सकते हैं, यहाँ सिर्फ मौत है। वो मौत नहीं शहादत कहलाएगी चाचू, इतने सारे लोगों के सामने जब्बार की मौत हमारे लिए हमारा मकसद हमारे जोश की एक सनसनीखेज मिसाल बन जाएगी। लानत है तुम्हारे जैसे इंसानों पर जो किसी के जनाजे पर अपनी बरकत देखते हैं। ना समझ इंसान, इंसानियत को मत भूल। अबे हट, बुड्ढे समझता नहीं है तू। कहाँ जा रहे हो चाचू? हट जा नूरा। कसम परवरदिगार के चाचू, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अब जब्बार को दवाइयों की जरूरत। जब्बार को कुछ नहीं होगा, बातों से जख्म नहीं भरते। बैठ, बैठ, जा, जब्बार के लिए दवाई लेकर आ। जा। वो देखे कोई बाहर आ रहा है, देखिए जल्दी। डीआईजी साहब को बुलाओ। एक जख्मी है वहां मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में दवा चाहिए। अब उन्हें हमारे हवाले करवा दीजिए। ये मुमकिन नहीं है साहब, दवा मुझे दे दो। मौलवी साहब, आप या इंसानियत जताने आए हैं या अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं? दवा आप चाहें तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां एक जख्मी है और एक टूटा हुआ इंसान, उन्हें मेरी जरूरत है, दवा दे दो। हमारा इंसानियत का जज्बा ही हमारी मजबूरी है और उनकी ताकत। कुछ करता हूं। अल्लाह को तुम पर नाज होगा बेटे। अंदर एक जख्मी है, मौलवी साहब के हाथ में दवाइयां भिजवा दो। इन लोगों के लिए? हाँ, इन लोगों के लिए मुश्ताक, जस्ट डू इट। और सर, अभी मैसेज आया कि मंत्री जी होटल पहुंच चुके हैं। ओह, हबीबुल्ला भी यही चाहता है।
रोहित एक सेकंड, मैं अखबार लेकर आती हूँ। आदमी तो काम के हो पर थोड़ा सा डरते हो। यहां से 6 किलोमीटर दूर एक जगह है सीतापुर, इस लड़की को लेकर वहां पहुंचो, तुम्हारा काम खत्म। रोहित देखो, आतंकवादी मस्जिद में जाकर छुपे हैं, देखो। जानती हूँ कि तुम उस पर कोई आज नहीं आने देते। तेरा बाप अपने अखबार में हमारे खिलाफ लिखने की सजा भुगत रहा है, अगर उसकी रिहाई चाहता है तो तुझे हमारे लिए काम करना होगा।
असाए कोर फतेह साख सोनगर खुदा आप सोनगर अरे कितनी बार समझाया है कि प्रेस वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते हमें इनकी जरूरत है छोड़ो 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 से चलो कहिए मोहतरमा कैसा रहा यहां तक का सफर कुछ बोलेंगे नहीं अच्छा अच्छा अपने प्यारे भाई का इंतजार है शायद अब आप हमारे पास हैं तो वो तो घुटनों के बल चलकर आएंगे यहाँ कौन सी नई बात है हबीबुल्ला भैया तक पहुंचने के लिए तुमने हमेशा औरतों का सहारा लिया है ना मुन्ना लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी है और अपने भाई की कमजोरी भी अजय ठाकुर इसे कोना नहीं चाहेगा सुन लड़की ये हमारा इलाका है अगर बकवास की ना तो जान से जाएगी हाँ तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है हबीबुल्ला अगर भैया की कमजोरी को मिटाएगा ना तो उनकी दहशत से ही मर जाएगा अरे ये क्या कर रहे हो ये क्या मजाक है तुमने अपने ही आदमी को पकड़ रखा है छोड़ो छोड़ो इसे चलो ये तो इसे लेकर भागने की फिराक में था भाईजान तुम जवानी के गरम खून को नहीं समझते मुन्ना अरे ये तो इन मोहतरमा की नजर में आशिक बनने का एक ढोंग था वरना ये हम तक कैसे पहुंचते इन्हें यहां तक लाने में हमारी बड़ी मदद की है इसने है ना रोहित हबीबुल्ला पूजा को जाने दो देखा नाटक अभी तक बरकरार है सच लो तुम्हारे हर कदम पर हमारे आदमियों की नजर थी तुम्हारे साथ जो भी सुलूक रोहित ने किया है हमारे कहने पर किया है पिछले 2 सालों से यह हमारा सबसे अच्छा खुफिया एजेंट है और ये काम इसे पसंद भी है ये झूठ है अगर मेरे पिताजी तुम्हारे पास में नहीं होते तो भाईजान भाईजान क्यों ना इसकी महबूबा को इसकी असलियत बता दे जिसे तुम रोहित समझती हो ना वो भाईजान का बेटा है हाथ मत लगाना पूजा को प्यारे बेटे रोहित भूल जाओ उसे दुश्मन से मोहब्बत करना तो जायज नहीं पहचाना पिताजी पिताजी आज तक जो कैसेट पर तुम आवाज सुनते रहे ना रोहित वो आवाज मेरी थी और रही बात तुम्हारे पिताजी की तो उसे तो मैंने उसी दिन मार दिया था जिस दिन उसने कैसेट पे तुम्हें पैगाम भेजने से इनकार कर दिया था मार दिया था साले को
यस सर। कहो अजय ठाकुर, सब कुछ कैसा है? सर, हमने ऑर्डर दे दिया है कि मस्जिद पर कोई हमला नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये लोग तो हमारा तमाशा बनाते थे। अरे यहाँ तो प्रेस वाले भी बहुत तादाद में है। यस वेरी गुड। भाईजान नहीं, यहां नहीं, हमें सिर्फ इसे मारने का हुक्म मिला है, शहीद करने का नहीं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमने इस मस्जिद का कोई नुकसान नहीं होने दिया, और ये लोग जो अंदर छुपकर बैठे हैं, ये इस पाक जगह की कदर करें या ना करें, लेकिन हम तो करते हैं। भाई मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं। लाइए आप लोग, जो भी है, जितने भी हैं, सबके सब बाहर आ जाएं। आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया जाएगा, यह हमारा वादा है। हमने हुक्म दिया है कि इस पाक जगह पर कोई हमला नहीं होगा। आप पूरा इत्मीनान रखें, आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। सर ये मंत्री जी भी मुश्ताक, शायद ये भी मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ मस्जिद दिखेगी, उसके अंदर छुपे हुए मुजरिम। सर ये आपके ऑफिस से आया है। मैं मजबूर था और मैं पागल थी। इन लोगों ने मेरे पिताजी को बंदी बनाकर रखा था, क्या करता मैं? हाँ क्या करता? पूछा, इन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला। जी प्लीज
भाई होकर एक मामूली स्टेप भी नहीं दे सकते हो अपनी बहन को? अरे अपनी बहन के लिए तो अपनी जान भी दे दूं। नहीं भैया, मैं सिर्फ आप पे गई हूँ, मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। आज तीसरा दिन है, पूजा कहाँ है? तुम समझे नहीं, आज तीसरा दिन है। तुमने तो वादा किया था हमारे आदमियों को पकड़ने का, तुम तो जानते भी हो कि वो कहाँ है। जाओ पकड़ लो। मेरी बहन कहाँ है? ये भी क्या बेतहजीबी है अजय ठाकुर? अरे इतने दिनों के बाद मिले हो, कोई अच्छी बात नहीं करोगे? नाराज हो हमसे भाईजान? जब तक इसे अपनी प्यारी बहन का पता नहीं चलेगा ये और कुछ नहीं बोलेगा। ओफो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं। तुम्हारी बहन, मुन्ना ने उसकी टांग पर गोली चलाई। नहीं, अब तक वो हिफाजत से है। इतनी अच्छी तरह मैंने रखा है उसे कि अगर कोई अनजान आदमी देखेगा तो सोचेगा कि मेरी ही औलाद है। नामर्दों के बच्चे नहीं होते अभी बोला। अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर सुनो, तुम हमारे आदमियों को छोड़ दोगे या तो उन्हें रिहा करके या तो फिर उन्हें भागने का मौका देकर। आज अभी समझे? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है हबीबुल्ला, मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, परसों दोपहर 12 बजे तक अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हारी बहन को जिंदा छोड़ देंगे, वरना सोच रहे होगे कि क्या सबूत है कि हम अपना वादा निभाएंगे। कोई सबूत नहीं। कल सुबह शहर में बरकतुल्ला से मिलकर जान लेना कि हम तुम्हारी बहन को कैसे और कहां छोड़ेंगे। खुदा हाफिज। हबीबुल्ला, अगर पूजा को कुछ हो गया तो खुदा भी तुम्हारा हाफिज नहीं होगा। बता, हबीबुल्ला ने तुझे मेरी बहन के बारे में क्या बताया? बोल वरना। डीआईजी साहब, कहिए क्या खिदमत करूं? आप हबीबुल्ला के लिए काम करते हैं? हाँ, गुलामी जरूर करनी पड़ती है यहाँ के बाकी हर बाशिंदे की तरह। मेरी बहन, उन लोगों ने आपसे कुछ कहा कोई इंतजाम के बारे में? नहीं, वो तो कभी कभी आधी रात को आते हैं और डरा धमका के हुक्म देते हैं कि ये पैगाम या सामान फलां जगह पहुंचा दो। मौत के पैगाम? हम मजबूर हैं बेटे, हम मजबूर हैं। हम तो बस इतनी छोटी सी खुशी के लिए जीते हैं कि आज मौत नहीं आई। फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? बहुत देर हो चुकी। हम सब गुनाहगार हैं खुदा की नजरों में, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हमने पहला मौका तो खो दिया। अब ये बंदूकों और गोलों के शोर में हमारी फरियाद कहां सुनाई पड़ेगी? डीआईजी साहब, डीआईजी साहब, हमें रिहाई दिला दीजिए,
हमें आजादी दिला दीजिए उन लोगों से जो खुद हमारी आजादी के ठेकेदार बने हुए हैं। हम थक चुके हैं, हमें रिहाई दिला दीजिए। रिहाई साहब, रिहाई दिला दीजिए। अंधेरा घना होकर समझता है कि वो सूरज को उगने नहीं देगा, मगर सूरज की पहली किरण अंधेरे की मौत का पैगाम लाती है। बरकतुल्लाह, जिसे एक बार आजादी की अहमियत का पता चल जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। डीआईजी साहब ने खाना भेजा है उस बीमार आदमी के लिए। नूरा, सरहद पार के दिन याद आ रहे हैं। हम फिर दूसरों के टुकड़ों के मोहताज हो गए। चाचू, जब हम वापस कैंप पहुंचेंगे ना, तब मैं तुम्हें। कब तक क्यों रुकते हो नूरा? यही फैसला कर दो। इस जगह को नापाक करने की मेरी शायद यही सजा है कि एक पागल कुत्ते के हाथों मुझे जिल्लत की मौत मिले। यहां नहीं चाचू, यहां नहीं, यहां हम सब एक है। बाहर हम लाचार मुजाहिदों पर तरस खाने के लिए सारी दुनिया मौजूद है, लेकिन हम जब वापस कैंप पहुंचेंगे ना, तब मैं वादा करता हूं चाचू, मैं तुम्हें। खाना दिया उन्होंने? बहुत थोड़ा खाना दिया उन्होंने, बीमार जब्बार के लिए। ला मुझे दे। नहीं, ये खाना जब्बार को मिलना चाहिए। अरे खाना मुझे दे। ये खाना जब्बार को मिलना चाहिए। मुझे ये खाना जब्बार के लिए लाया हूँ मैं। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर तू। या अल्लाह, मैं तेरा ये घर छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो इनकी वहशत की मदद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जब तू यहां वापस आ जाए तो मुझे भी बुला लेना। मौलवी, कहां जा रहा है? मौलवी कहां जा रहे तू? मैं पूछ रहा हूं मौलवी कहां जा रहे तू? रुक जा मौलवी, वरना गोली मार दूंगा मैं तुझे। दूरा, ऐ छोड़, क्या बोला? छोड़ मौलवी, रुक जा। रुको साहब। मौलवी साहब, नीचे रखो। साहब, मौलवी साहब, हम जा रहे हैं साहब अपने अल्लाह के पास। हमारी ये इबादत का हक आपको वारिस बनाकर वादा करो साहब, वादा करो आप उन दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। साहब जी, जाती जज्बात में बहकर कुछ पलों के लिए डीआईजी अजय ठाकुर बहन की मोहब्बत में भाई बन गया था मुश्ताक। अब मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन दरिंदों को, नहीं छोड़ूंगा मैं।
क्या बात है डीआईजी? आज डीआईजी नहीं, एक भाई भाई के पास आया है। हबीबुल्ला ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है, मुझे उसका पता चाहिए। पूजा, ए पूजा, तुम रो रही हो और मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्या बैलेंस है? डोंट क्राई पूजा, अभी तो हमें जीना है। रोहित, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी। मेरी नजर में तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना पड़े। अब क्या होगा? अब क्या होगा ये मैं नहीं जानता, हाँ मगर इतना जरूर जानता हूं कि हम साथ हैं। पूजा, इन आंसुओं से कहो कहीं दूर चले जाए, वरना मैं कहाँ रहूंगा। तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। मुझे किसी के इंसाफ करना है सर, और मुझे अफसोस है कि मेरी वर्दी, मेरा कानून मुझे इंसाफ करने से रोक रहे हैं। मेरे हाथों में।
हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम। तेरे भाई ने मेरे दिए हुए वक्त की बेइज्जती की है, उसने अभी तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा, इसलिए शर्त के मुताबिक तुझे मरना चाहिए। इस हरकत के सिर्फ दो ही मायने हो सकते हैं, या तो डीआईजी अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करना चाहता, या तो फिर वो तुझे प्यार नहीं करता। हबीब, तेरा ये गुरूर मेरे भाई के आने पर खो जाएगा, उसे संभाल के रख और अपनी जान की सोच। अफसोस, अफसोस के तूने अभी तक हबीबुल्लाह को नहीं पहचाना। हबीबुल्लाह! अच्छा मुश्ताक, आगे का सफर अकेला तय करना है, तुम वापस जाओ। साहब जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। साहब जी, ये मेरा निजी मामला है मुश्ताक, और जहां मैं जा रहा हूं वहां वर्दी वाले की जरूरत नहीं। तुम अपना फर्ज अदा करो। फर्ज अदा करने के लिए सरफरोशी की कमी नहीं साहब जी, मुझे दोस्ती का हक अदा करने दीजिए। ये कहकर ही तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया, अब मैं जहां भी जाऊंगा खुद को अकेला महसूस नहीं करूंगा। यह एहसास हमेशा रहेगा कि तुम मेरे साथ हो। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। जी, मैं जानता था तू अपनी बहन के लिए यहां जरूर आएगा। पहचान अपने खून को और सोचकर अगला कदम रख, क्योंकि अब मेरी और तेरा लिया हर कदम तेरी बहन के जिस्म से निकले खून से तुला जाएगा। कुछ देर सांस वास ले लो, फिर चलो यहां से। ठीक है भाईजान।
रुक जा बहना, रुक जा, रोना नहीं, रोना नहीं। तेरे एक कतरे आंसू से इस धरती मां को यह एहसास ना हो जाए कि उसने रक्षा करने वाले किसी वीर सिपाही को नहीं, एक बुजदिल लड़के को जन्म दिया था। बस जो फर्ज मैं ना अदा कर सका, वादा कर वो फर्ज तू पूरा करेगी। उन देशद्रोहियों को घुटने के बल तू सजा तक ले जाएगी, ताकि आने वाले कल में इस देश के हर नौजवान को डीआईजी अजय ठाकुर की बहन पे नाज हो। जा बहना, तुझे राखी की सौगल, जा जा जा। क्या है भरोसा कल का, कहां ले जाए राहें, हिम्मत हो तो मंजिल खुद खोल के आए बाहें, जुल्म सहना नहीं, डर के रहना नहीं, तुझे शाला पे चलना। जय हिंद। कर लो, तुम्हें बदला चाहिए या इंसाफ? क्या आवाज कैसी? भाईजान, ये लोग भाईजान को लेकर आए हैं।
नहीं मुश्ताक भाई, ये सिर्फ आपका नहीं, ये मेरा, मेरे भाई का, हमारे देश का मुजरिम है। प्लीज क्या मेरे परवरदिगार, हम पर माफी की भी जहमत न करना। ये है तुम्हारा जिहाद, खुदगर्ज, छोटा, कमजोर, और ये है वो गिरा हुआ बौना जिसे तुम मसीहा बनाने चले थे। ये है तुम्हारी ताकत, एक अंधी पिस्तौल। आज ये मेरे हाथ में है तो तुम्हारे हिसाब से आज मैं सही हूं और तुम गलत है ना। और तुम लोग दुनिया की सबसे घिनौने काफिर हो, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा, मजहब सिर्फ अल्फाज हैं, बहाने हैं। क्योंकि असल में पिस्तौल ही तुम्हारा खुदा है और पिस्तौल ही तुम्हारा मजहब, वरना एक मस्जिद को कसाई बाड़ा बनाने की तुम्हारी हिम्मत न होती। कहते बिना वजू के खुदा को नमाज तक कबूल नहीं होती, तो फिर उसके घर को नापाक करके कौन सी मुसलमानियां निभा रहे हो तुम लोग? बस बस करो बेटी, बस करो। हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा नहीं, तुम अंधे हो। तुमने सिर्फ मेरे भाई का नहीं, अपने भाइयों का भी खून किया है, उन्हें बहकाकर, डराकर, धमकाकर। पर अब ऐसा नहीं होगा। ये देश मेरा है और मैं इस देश की हूं, और अब मुझे और मेरे देश को इंसाफ चाहिए। हम बटने और टूटने के लिए तैयार नहीं। आज के बाद अगर किसी ने हमारे तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम जवाब देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी, हम सब हार गलत थे, गुनहगार हैं। हबीब, जिस देश ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, आज उसके नमक का हक अदा करने का वक्त आ चुका है। आज तू हम सबके साथ बोलेगा जय हिंद। बोल बोल। अपने जमीर के साथ सौदा करने का यही एक मौका है। हमने कभी सोचा भी ना था जन्नत की तलाश में हम अपने ही मुल्क को दोजख बना देंगे। हमें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए नूरा, मिलनी ही चाहिए। चाचू नहीं, चाचू चा नौशाद, नौशाद मेरा भाई, नहीं मैं हूं ना, संभालूंगा नौशाद। जबर भाई मत जाओ, सिराज खुदा के वास्ते सिराज, मैं संभालूंगा। अफजल, अफजल, अफजल तू भी, अफजल Another day!